हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सिल्क मॉथ फ्रेंड्स लास्ट वीडियोस में हमने हिस्ट्री एंड जनरल इंट्रोडक्शन देखा था सिल्क वर्म का सैरिकल्चर का उनकी स्टार्टिंग कहाँ से थी और वो सारा हमने जनरल इंट्रो पढ़ा था हमने किसके बारे में सैरिकल्चर के बारे में ओके सो okay? so इस वीडियो में हमें सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन दैट इज सिल्क मॉथ उसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि सिल्क को एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है एंड सिल्क मॉथ कोई मशीन नहीं है इट मीन्स हम उसे कह सकते सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन बट इट इज एन ऑर्गेनिज्म कोई एक है, है, तो स्पीशीज भी होंगी बहुत सारी सो so हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है सिल्क स्पीशीज का ओके सो लेट स्टार्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट कॉल्ड

जो हम यूज कर सकते हैं जहां से सिल्क प्रोड्यूस होता है बट उन सारी स्पीशीज को सेरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं किया जाता है कुछ ही ऐसी स्पीशीज है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे जिनको सेरिकल्चर इंडस्ट्री में सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है ओके अब फर्स्ट तो हम इसका सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन देख लें इसका सो फाइलम फर्स्ट जो सिल्क मॉथ है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है सो इट बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर इज लैपिडो लैपिडोपटेरा ओके दिस इज दर ऑफ सिल्क मोथ एंड फैमिली देर आर टू फैमिलीज फर्स्ट इज बॉम्बे साइडे एंड सेकेंड इज सैटरने डे ओके ये दो फैमिलीज हैं और देन हमारे सिल्क मॉथ आते हैं ओके जीनस सो अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्कम और स्पीसीज ऑफ सिल्क वम्स जिसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिल्क वम है वो है मलबेरी सिल्क वम और जिसे कहते हैं हम बॉम्बिक्स ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में इसकी लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे कि कैसे इससे सिल्क एक्सट्रैक्ट होता है पूरा प्रोडक्शन कैसे होता है इसकी पूरी लाइफ कैसे चलती है लाइफ साइकिल ओके सो मलबेरी सिल्क वम बॉम्बिक्स मोराई इट बिलोंग्स टू द फैमिली बॉम्बे सिटी ये बॉम्बे सिटी जो फैमिली है उससे बिलोंग करता सिंस द नेचुरल फूड ऑफ दिस वर्म इज मलबेरी लीव सो इट इज कॉल्ड एज मलबेरी अब इसका नेचुरल फूड है वो ही मलबेरी लीव है सो मलबेरी इज ए नेम ऑफ प्लांट एक प्लांट है मलबेरी और उसी की लीव को ये खाता है उसी पे फीड करता है उसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं मलबेरी सिल्कवम कहते हैं द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस मॉथ इज वाइट इन कलर एंड जो सिल्क सिल्कूक्ट प्रोड्यूस्ड होता है प्रोडक्शन के बाद जो इस मॉथ से जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसका कलर कैसा होता है वाइट कलर का होता है ओके और फ्रेंड्स अगर हम इस सिल्क वम की बात करें तो ये वही सिल्क वम है जो हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री में चाइनीज देखा था चाइनीज पीपल में इट मीन चाइना में जो सिल्क वम था टू उस टाइम पे बीसीई में जो था स्टार्टिंग वो कौन सा सिल्कवम था मलबेरी सिल्कवम था बॉम्बिक्स मोराई था तो इसका नेटिव प्लेस किसको चाइना को कहा जाता है बट अब तो सारी ही कंट्रीज में हो गया है जो हमने लास्ट वीडियोस में फ्रांस कोरिया ब्राजील इंडिया ये सारी जो हमारी कंट्रीज हमने देखी थी जापान वो सभी अब तो इन सारी जगहों पे ही ये मलबेरी सिल्कवम्स मिलते हैं बट उस टाइम पे नेटिव प्लेस स्टार्टिंग जो हुई थी वो चाइना था okay? Then next जो आती है सेकेंड स्पीशी सिल्कौ। जिसको हम कहते हैं एंथेरा पैफिया इसका क्या है ये से बिलोंग करता है सिर्फ so फ्रेंड सिर्फ एक ही uh, एक ही स्पीशीज है जीनास है जो फैमिली बॉम्बे से डे से बिलोंग करता है बाकी अब हम जितने भी पढ़ेंगे वो सारे सैटरिडी से ही बिलोंग करते हैं ओके? एंड कॉमन इन इंडिया, चाइना श्रीलंका और ये जो सिल्कवम होता है इंडिया चाइना एंड श्रीलंका में बहुत कॉमन है हमारे यहाँ ये फाउंड होते हैं पाए जाते हैं ओके दिलर फीड्स ऑन बैर बेर ओक साल एंड फिक प्लांट्स ये ये जो जो हैं वो किस पे फीडिंग ओक, होते इनके ऊपर फीड होते है, फीड इस फ्रेंड्स, इसका जो कोकून होता है जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कोकून क्या होता है बट आपने नाम सुना होगा तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत कोकून के बारे में जो सिल्क वम की जो सलाइवरी ग्लैंड से जो एक थ्रेड लाइक उसकी सलाइवा जो सिक्रीट होती है जिसको सिल्क ग्लैंड भी बोलते हैं और वो उस वम की चारों तरफ क्या होती है आ, लपेट लेती है उसकी पूरी बॉडी को आ, पूरी सराउंड में और एक कोकून बना लेते हैं ओके जिसको प्यूपा भी कह सकते हैं हम उस प्यूपा के ऊपर एक कोकून बन जाता है तो इसका जो कोकून होता है इस मौत का टसार सिल्क मौत जो है उसका कितना साइज में बहुत बड़ा होता है बाकी सारे बहुत चोटे -चोटे होते, दूसरे के जो कोकुन होते है, के, बट इसका जो सिल्क मोथ होता है वो एक तो हार्ड होता है और दूसरा हैं का जो एग हो मुर्गी के अंडे की साइज का ओके के विच प्रोड्यूस ब्राउन कलर्ड सिल्क और इसका जो कलर्ड सिल्क का जो कलर होता है वो कैसा होता है ब्राउन कलर का होता है द डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटरपिलर्स इज नॉट सो इजी द डू नॉट

Since breeding is not well controlled, so breeding जब ही नहीं है तो सिल्क इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री तो ये भी है तो जरूर इसकी भी सिल्क भी है बट वो इतनी कंट्रोलेबल नहीं है इतनी ज्यादा जितनी मलबैरी मल सिल्कवम इंडस्ट्री जितनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गई है उतना ये नहीं पहुंच पाई है क्योंकि ये इतना इजी नहीं है इससे एक्सट्रैक्ट करना ओके नेक्स्ट चीज अब नेक्स्ट आती है, हमारी थर्ड स्पीशीज uh, और वो है मुगा एंथेरा आसामा okay? मुगा सिल्कम का साइंटिफिक नेम क्या है एंथेरा आसामा इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दीटेरी एंड सेमी डोमेस्टिकेटेड इन नेचर अब ये क्या है ये भी फैमिली सेटेनेरी को ही बिलोंग करती है और सेमी डोमेस्टिकेटेड नेचर में है ओके okay? सो मुगा सिल्कवम ये भी सेटनेडी फैमिली से ही बिलोंग करता है एंड ये सेमी डोमेस्टिकेटेड होते हैं नेचर में सो फ्रेंड सेमी डोमेस्टिकेटेड मीन्स है वाइल्ड स्पीशीज फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट होते हैं मुगा सिल्कवम वहीं मिलते हैं बट ये सेमी uh, डोमेस्टिकेटेड है इट मीन इनका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है इनकी केयर है वो ह्यूमंस के कंट्रोल में होती है तो उसे हम सेमी डोमेस्टिकेटेड बोलते हैं ओके द नेटिव नेटिव प्लेस प्लेस ऑफ दिस स्पीशीज इज इसकी ही origin ही है हमारा इंडिया है कह सकते हैं वेर इट हैज नाउ बिकम अ गुड सोर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो आज की अगर हम देखें तो आज के टाइम पे ये बहुत अच्छा गुड सोर्स बन गया है कॉटेज इंडस्ट्री सिल्क की कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ओके okay? मुगा सिल्कवम ओके द कैटरपिलर्स ऑफ दिस वर्म फीड ऑन मैक्यूल प्लांट तो इसके जो कैटोपिलर्स होते हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं तो वो मैक्यूल प्लांट के ऊपर फीड करते हैं उसको ईट करते हैं एंड द इट मीन्स ईट करते हैं मीन्स फ्रेंड्स लीव्स

कंट्रीज है वहां पर यह प्रोड्यूस होता है एरी सिल्क इट फीड्स ऑन कैस्टर लीव जो कैस्टर ऑयल कैस्टर प्लांट होता है उसकी लीवस पर ये फीड करता है ओके उसको ईट करता है तो द दी वर्म हैव वेरी लूज टेक्सचर एंड द सिल्क प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज आर एन दिल्क Locally. So, ये इसके जो कॉकन्स होते हैं वर्म के वो कैसे होते हैं बहुत लूज टेक्स्चर के होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं ना लूजली होते हैं कॉकुन्स उसके उसके जो थ्रेड जो होते हैं ऊपर के वो बहुत लूज होते हैं और इससे जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में इट मीन वहां की लोकल लैंग्वेज जो होंगी उसको क्या कहते हैं आरंदी आरंदी सिल्क कहते हैं ओके द थ्रेड्स आर नॉट सो ग्लोसी बट मच ड्यूरेबल अब इसके जो थ्रेड्स होते हैं सिल्क होता है वो इतने ग्लॉसी नहीं होता है जैसे जो ग्लॉसीनेस uh, जो होती है ग्लॉस जो होता है थ्रेड्स में सिल्क में वो इतना ज्यादा ग्लॉसी थ्रेड्स फेब्रिक्स नहीं दिखेंगे बट इट ड्यूरेबल होते हैं इट मीन्स इन्हें कुछ होता नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए ही चलते हैं नेक्स्ट इज ओक सिल्क वम दैट इज एंथेरा पर

ट ये दूसरी दो दूस स्पीशीज हैं ओके अटैकस रॉयलेट ऑफ द हिमालयाचुरीज भी हैं की, जो बहुत सेंचुरी से बहुत टाइम से इनकी भी रियरिंग हो रही है सेरिकल्चर हो रहा है इन सिल्क वम्स से भी दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क और ये भी गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ओके नेक्स्ट इज जॉइंट सिल्क वम्प सो so, जिसका नाम है अटैकस इट बिलोंग्स टू द फैमिली सैटरडे एंड इज फाउंड इन इंडिया एंड मलेशिया सो ये भी सैटरडे फैमिली का ही एक मेंबर है ज्वाइंट सिल्कम जो इंडिया एंड मलेशिया दोनों जगह पाया जाता है ओके इट इज द लार्जेस्ट of the living insects reaching up to 11 inches in wing span so it's the largest living insects me to okay it's very giant its name is like because largest insects me se ek hai jiske wings jo hai wing span hai wo 11 inches tak bade hote hain okay so friends humne six species dekhi uh, silk worms ki देखा कैसे कलर्स में कैसा सिल्क वाम का क्या है process किससे कैसे silk होते हैं okay? ये सब हमने पढ़ा बट आउट ऑफ दी सिल्क वर्म स्पीशीज ओनली फोर आर कॉमन यूज फॉर सैरिकल्चर तो इन सिक्स और सिक्स नहीं हमने ये भी दो पढ़े थे रॉयलेट एंड सो इन सारे सिल्क वर्म्स की स्पीशीज में से फ्रेंड्स ओनली फोर ही हैं जो कॉमनली यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और वो है बॉम्बिक्स मोराई अटैकस प्रसिनाइन एंथेरा असामा एंड एंथेरा पैफिया इट मीन जो ऊपर के जो फोर जो सिल्क वर्म्स थे यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं फ्रेंड्स सो so, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्क वर्म्स ओके जिसमें फ्रेंड्स हमने अलग अलग स्पीशीज देखी सिल्क वर्म्स की जिसमें से सबसे फर्स्ट मलबेरी सिल्कवम बॉम्बिक्स मोराई अभी तक की सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है सिल्कवम की जिसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल एंड प्लीज फ्रेंड्स ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप इसको नोट डाउन जरूर करना अपनी नोटबुक्स में क्योंकि आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ओके एंड प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक शेयर कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन आई अपलोड न्यू वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स बाय